ओके दोस्तों, आखिरकार इंडियन मार्केट में ओप्पो ने अपना एक और नया स्मार्टफोन ओप्पो A54 को लॉन्च कर दिया है। दोस्तों पहले भी आपको मैं इस स्मार्टफोन के बारे में बता चुका हूँ और ये भी बता चुका हूँ कि ये स्मार्टफोन इंडिया में कब लॉन्च होगा, किस स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होगा। अब दोस्तों ऑफिशियली ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुका है और साथ ही इसकी ऑफिशियल प्राइस भी सामने आ गई है। तो स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि मीडियाटेक का हीलियो P35 है। साथ ही ये स्मार्टफोन 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है और स्मार्टफोन में बैक पे आपको कैमरा भी ट्रिपल स्लॉट कैमरा सेटअप को मिलता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन की प्राइस की, साथ ही बात करने वाले स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन में क्या खास देखने को मिल रहा है जो आपको स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए या फिर अभी भी आपको कोई जो मार्केट में चल रहे हैं स्मार्टफोन उन्हीं की तरफ ही रहना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले प्राइस और रैम मैनेजमेंट की। तो इसके अंदर दोस्तों आपको पहला वेरियंट 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा जिसकी कीमत आपको 13,490 रुपये देखने को मिलेगी। वहीं इसका अगला वेरियंट आपको 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, उसकी कीमत आपको 14,490 रुपये देखने को मिलेगी। और वहीं इसका एक आखिरी वेरिएंट आपको 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, उसकी कीमत आपको 15,990 रुपये देखने को मिलेगी। और दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको 3 कलर वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको ब्लैक, गोल्ड और ब्लू कलर देखने को मिलेंगे। और स्मार्टफोन की सेल आपको 20 तारीख से सेल शुरू हो चुकी है। सेल के दौरान अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो आप 1000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो दोस्तों इंतजार क्या कर रहे हैं, सेल शुरू होते ही स्मार्टफोन को परचेस करें क्योंकि फोन काफी कमाल का है ये। और वहीं दोस्तों बात करें स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन की, तो सबसे पहले हम बात करें डिस्प्ले की। तो इसके अंदर आपको 6.5 इंच की एक HD+ रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जिसके अंदर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही इस स्मार्टफोन में मैं आपको बता ही चुका हूं मीडियाटेक का प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि मीडियाटेक का हीलियो P35 है, जो कि काफी कमाल का प्रोसेसर है, आपको कुछ ही शायद ही किसी स्मार्टफोन में देखने को मिला होगा। एक नया प्रोसेसर है लेकिन कमाल का प्रोसेसर है मीडियाटेक की तरफ से। अब तो स्मार्टफोन में जो प्रोसेसर दिए जा रहे हैं वो तो काफी कमाल के हो ही रहे हैं, तो ये प्रोसेसर भी आपको काफी कमाल का देखने को मिलेगा। लेकिन प्रोसेसर मेरे को ये मिड रेंज लग रहा है, देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी देता है। भाई दोस्तों अब बात करें स्मार्टफोन के कैमरे की, तो इसके बैक पे ट्रिपल शॉट कैमरा सेटअप दिया गया जिसमें आपको 13 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर, 2 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो लेंस देखने को मिलेगा। और वहीं दोस्तों फ्रंट में सेल्फी के लिए एक 16 मेगापिक्सल की इसके अंदर सेल्फी भी दी गई है। तो दोस्तों कैमरा तो काफी कम है स्मार्टफोन में, कीमत भी कम ही है, लेकिन अगर कीमत थोड़ी और कम रखी जाती तो शायद स्मार्टफोन की बिक्री थोड़ी ज्यादा होती, लेकिन ऑफलाइन स्टोर में ओप्पो की तो बल्ले बल्ले चल ही रही है। दोस्तों स्मार्टफोन में आपको एक 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है 15V के फास्ट चार्जर के साथ। और कनेक्टिविटी के लिए स्मार्टफोन में आपको 4G वोल्टी सब चीज का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। स्मार्टफोन में आपको 3.5mm जैक भी दिया गया है। दोस्तों कनेक्टिविटी के लिहाज से भी स्मार्टफोन में सारे फीचर्स दिए गए हैं और बात ही बड़ी बैटरी भी दी गई है, तो आपको स्पीड की तो कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये स्मार्टफोन मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों स्मार्टफोन 20 तारीख से सेल पर आ चुका है। अगर आप ओप्पो का स्मार्टफोन पसंद करना पसंद करते हैं तो दोस्तों फ्लिपकार्ट पर जाएं और जल्दी से परचेस करें। और फ्लिपकार्ट पर नहीं लेना है तो ऑफलाइन स्टोर पे तो ओप्पो वीवो के स्मार्टफोन आपको कहीं से भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।